हाई एवरीवन दिस इज़ जेनाफाइय सो आई एम यर विथ क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज एज प्रोमिस्ड सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन है ये पूछा है यॉन फनडा फर्नैंडिस ने हाउ डू यू डिस्क्राइब योर रिलेशनशिप विथ एवरी कास्ट मेंबर डू यू हैव टू फेस टाइम कमिटमेंट इश्यूज सो मेरा रिलेशनशिप हर कास्ट मेम्बर के साथ एकदम अलग है किसी के साथ मैं बहुत मस्ती करती हूँ किसी के टांग खींचती हूँ किसी के साथ स्पिरिचुअल बातें होती हैं किसी के साथ आ, डांस होता है किसी के साथ यू you नो know, उसको सताना होता है किसी की you know, सब बहुत सबके साथ एकदम अलग अलग रिलेशनशिप है एंड टाइम कमिटमेंट इश्यूज यस होता है जब कंटिन्यूस बहुत हेक्टिक शूट्स होते हैं एंड uh, फिर घर में भी टाइम देना है लेकी को मेरी बेटी को भी टाइम देना है और uh, खाना भी बना के आना अभी तो कोरोना के टाइम पे घर से खा घर का ही खाना ले जाना रहता है तो वो खाना बना के ले जाना है शूटिंग पे अगर सात बजे की शिफ्ट है और बाकी कम ये सब वीडियोस और ये सब इंस्टाग्राम ये सब भी मेंटेन करना है तो ऑफ कोर्स यस आई फेस टाइम के कमिटमेंट इश्यूज़ सेकंड क्वेश्चन इज आस बाय देवांश व्हाट स्ट्रगल यू वेंट थ्रू बिफोर बिकमिंग एन एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस सो आई केम टू मुंबई इन टू जनवरी uh, में मैं मुंबई आई थी एंड उसके बाद मैंने uh, 2008 तक मतलब ऑलमोस्ट लाइक यू नो फोर एंड हाफ़ इयर्स आई वाज स्ट्रगलिंग एंड मैंने नादरा बाबर जी के साथ थिएटर किया है मैंने काफ़ी सारी छोटे छोटे स्मॉल कैमियोस इन सीरियल्स और फिल्म में भी किया है कुछ थोड़ा बहुत एंड इंग्लिश थिएटर भी किया है मैंने हिंदी uh, थिएटर भी किया है कुछ ऐट फिल्म की हैं लेकिन सब बहुत छोटा छोटा था तो उस टाइम पे एक एक लालसा थी कि एक ऐसा रोल मिले जो हमेशा यू you नो know, मुझे मेरा टाइम भी दे रिस्पेक्ट भी दे प्यार भी दे और मैं उसमें खुश भी रहूं अपनी फैमिली को भी देख सकूं मुझे पूरा महीने शूटिंग नहीं करना है मुझे पंद्रह दिन शूटिंग करना है बीस दिन शूटिंग करना है दैट्स इट सो तारक मेहता दो में हुआ बस फिर वहाँ से स्ट्रगलिंग का टाइम ख़त्म हो गया सो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन जन ने सेम क्वेश्चन पूछा है वीरल राजानी टीएम के ओ सी मोटिवेशनल एंड इनोसेंट क्वीन नाइन्टी थ्री हु इज़ योर फेवरेट को स्टार विथ होम यू लव्ड वर्किंग सो माई फेवरेट को स्टार फेवरेट तो सभी बहुत अच्छे हैं बट एज़ जैसे सबको जेठालाल बहुत पसंद है तो ऑफकोर्स दिलीप जी की मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ और uh, हर मोमेंट उनसे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है ये आज भी 12 साल के बाद वो हर मोमेंट कुछ बहुत यूनिक करते हैं मैं हमेशा उनको मैं जब भी मैं उनको कोई कोई भी उनका एपिसोड मैं ऐसे बहुत टीवी नहीं देखती तारक मेहता भी बहुत बार मैं नहीं देखती लेकिन जब भी मैं देखती हूँ कंटिन्यूस तब मैं उनको ज़रूर से बोलती हूँ कि सर आप कैसे 12 साल भी बात बाद भी इतने यूनिक एक्सप्रेशन हर चीज़ में इतने अलग एक्सप्रेशन कैसे दे सकते हैं ही इज़ uh, जिस तरीके से वो यू नो इम्प्रोवाइजेशन करते हैं जिस जगह से वो कॉमेडी इतनी यू नो वेरी सिंपल एंड सटल तरीके से वो एकदम यू नो नॉर्मल तरीके से एकदम फ्लैट uh, फेस बना के जो वो ह्यूमर uh, करते हैं प्लस ही इज़ ही ऑलवेज ही इज़ सच अ गुड को स्टार सच ए गुड सीनियर वो हमेशा सबके लिए सोचते हैं वो कभी भी सेल्फिश नहीं होते हैं कि मैं अपने लिए मैं ये डायलॉग बोलूं लेकिन उनको लगता है ये डायलॉग ये बोल सकता है तो उसको बोलेंगे ये डायलॉग यू नो जिसके लिए उनको लगेगा उसको जरूर यू नो ही थिंक्स अबाउट द सीरियल सो अफकोर्स आई गेट इंस्पायर बाई हिम द मोस्ट बाकी विथ होम आई लव वर्किंग आई लव वर्किंग विथ एवरी एंड नेक्स्ट है बाई ब्लू सफायर एट ट्रिपल एट सो इज़ इट ट्रू दैट टी वी एक्टर्स गेट पेड इन पर डेली बेसिस येस सो मोस्ट ऑफ़ द टी वी एक्टर्स गेट पर डे बेस जितने दिन शूट होता है अगर हमारा पाँच दिन शूट होगा तो पाँच दिन के पैसे मिलेंगे अगर तीस दिन शूट होगा तो तीस दिन के पैसे मिलेंगे और कुछ लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं कुछ एक्टर्स इट डिपेंड्स आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो so, कुछ लोग होते हैं जिन लोग को पूरा महीने का यू you नो know, Uh, के महीने का इतना लमसम अमाउंट मिलेगा चाहे आपके पाँच दिन हो चाहे आपके तीस दिन हो सो इट डिपेंड्स आपका कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नेक्स्ट अपूर्व जौहरी uh, जहाँ पर टी एम के उसी शूट होता है वहाँ पर रियल में कोई घर है नहीं वो पूरा सेट है हमारे दो सेट्स से, हैं एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है दोनों पास पास में हाफ़ एन हाफ़ किलोमीटर की दूरी पे पहले बहुत दूर हुआ करता था ऑलमोस्ट आई थिंक सात आठ किलोमीटर दूर पे था पहले हमारा सेट पूरा सेट है दैट इज़ नॉट रियल हाउस आप अंदर जाएंगे तो है ना आ, आपको सब खाली मिलेगा मतलब आप अगर कंपाउंड वाले सेट में आप अंदर दरवाज़ा खुल के जाएंगे तो वहाँ पूरा पीछे दीवारें हैं कुछ नहीं है और जो घर वाला सेट है जो इंटीरियर का है उसमें जैसे एक साथ है सोडी हाउस जेट हाउस एंड मेहता हाउस ये तीनों आस पास रूम्स हैं और बाकी ती, सब हाउस अलग अलग है इस तरीके से ये सेट बनाया गया है नेक्स्ट बाय कोट्स शाला डू यू ऑल ईट लंच एंड रिफ्रेश टुगेदर डू यू हैव स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स देर सो इट डिपेंड्स किस किसका uh, जैसे ये दोनों सवाल का आंसर uh, ऐसा है कि सब एक साथ खाना नहीं खाते हैं सबके अलग अलग ग्रुप्स हैं जो जिसके साथ जैसे कंफर्टेबल है उस तरीके से खाता है कोई तीन चार जन एक साथ खाते हैं कोई दो जन एक साथ खाते हैं कोई तीन जन कोई बच्चे लोग साथ में खाते हैं फिर कभी कोई नहीं होता है तो फिर हम ना साथ में भी जो भी मिलता है बैठ जाते हैं कभी अकेले भी खाते हैं बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अकेले ही छूट पे हैं तो अकेले रूम में खाते हैं तो डिपेंड्स के उस ये ना किस किसके साथ जेल वेल होते हैं उस तरीके से हम लोग साथ में खाना खाते हैं देन इशिता यशिका ट्वेंटी अंडरस्कोर twenty nine how difficult for you to play a Parsi role no it was not difficult at all because I am a Parsi I am a born Parsi my father was Parsi and बचपन से जब तक मेरी दादी और बुआ लोग थे घर में तो till the time I was like सिक्सटीन तब तक घर में पारसी बोली जाती थी मतलब पारसी बुआ और दादी लोग इन लोग से ज़्यादा होती थी तो मुझे बहुत अच्छे से पारसी आती है एंड बिकॉज़ uh, मेरे सारे रिलेटिव्स मुंबई में हैं तो बहुत बार मुंबई विज़िट किया था तो उनके साथ भी पारसी में ही बात करती हूँ पर क्योंकि मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ तो मेरी हिंदी अच्छी है इसीलिए मैं हिंदी में ज़्यादा कम्फर्टेबल हूँ तो ऐसा था कि हिंदी डेली सोप है तो आप इसको यू नो पूरी पारसी नहीं बोल सकते तो आ, मैंने उसको कुछ ऐसे मिक्स करके बनाया था कि पारसी और हिंदी मिक्स करके वो जैसा किया वैसा फिर उस तरीके से ये रोल बन गया तो नो इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट